Can the Taba give another model in 1962? And over here, there are seven stages or seven steps involved in the development of a curriculum document. कि जो भी आप curriculum document आप develop करें तो इन seven stages का ख्याल रखें. Over there, you could see situational analysis, फिर objectives formulation, content का बनाना, teaching methodologies, and then evaluation. From where she started with diagnosis of need. Diagnosis of need means कि need assessment कर ले. सबसे पहले needs identify कर ले कि बच्चों की needs क्या है, मुल्क की needs क्या है, international needs क्या है. Number one. जब आप needs identify कर लेंगे, we have already discussed it in the Tyler model. यहाँ वहाँ पर भी हमने need analysis का एक लफ्ज देखा था. So same interpretation of this diagnosis needs कि आपने अपने मुल्क की हालात, national हालात, international हालात, religious हालात, financial status वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखता है. Number one. Number two, subject wise किस चीज की need है, किस चीज का scope है, किस चीज की अहमियत है, सो वो नीड असेसमेंट कर लेंगे. नंबर वन. उसके बाद आपने फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करने हैं. उसके बाद आप अपने ये टारगेट्स रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड असेसमेंट. नीड असेसमेंट में आपको एरियाज आइडेंटिफाई होती हैं कि इन इन एरियाज पे फोकस करें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर. उसी के बेस पर फिर ऑब्जेक्टिव्स का तयन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, टारगेट्स रखे जाते हैं. टारगेट्स रखने के बाद फिर कंटेंट्स डेवलप किए जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर कंटेंट्स डेवलप होते हैं. और कंटेंट, यू नो इट मींस जो टेक्सचुअल मटेरियल है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, दे आर कॉल्ड द कंटेंट्स. लेकिन यहां पर दो स्टेजेस हैं. एक है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड द अदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट ये है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. मिसाल के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से कंटेंट हो गए, तो पहले आपने कंटेंट की सिलेक्शन कर ली. फिर आपने उनके ऑर्गेनाइजेशन करनी है. ऑर्गेनाइजेशन मींस कि आपने एक तरतीब से उनको रखना है. तरतीब क्या रखनी है कि यू हैव टू रिमेंबर वन, जो एक लफ्ज मैं यूज करने वाला हूँ, रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन मीन्स फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, known to unknown and simple to complex. कि जो भी कंटेंट आप डेवलप करें तो इन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन का ख्याल रख के चीजों को ऑर्गेनाइज इस तरह से कर ले कि पहले आसान, फिर उसके बाद निस्बतन मुश्किल, फिर मजीद मुश्किल, और फिर मुश्किल तर, एंड देन मुश्किल तरीन. सो इस तरीके से जो भी कंटेंट आप डेवलप करें उनको ऑर्गेनाइज भी कर लें. इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कंटेंट्स की आप सिलेक्शन तो कर लेते हैं, अब ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, तो सबसे पहले नाउन रखना है, उसके बाद प्रोनाउन रखना है, उसके बाद फिर वर्ब रखना है. नाउन के बाद प्रोनाउन क्यों? क्योंकि नाउन की जब उनको डिफिनेशन उनके समझ आ जाएगी, उसके बाद ही वो प्रोनाउन को समझ सकते हैं. सो सिलेक्शन मीन्स द कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि उनको एक लॉजिकल ऑर्डर या तरतीब से देना और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन को ज़हन में रखना. द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. नाउ व्हाट इज मीन्ट बाय सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस? लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस टेबल में भी, इस मॉडल में भी और आने वाले मॉडल में भी हम इससे मुराद लेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजीज. टीचिंग मेथड्स और मेथोडोलॉजीज पर पूरा एक वीक है हमारा. क्लासरूम मैनेजमेंट पर भी वहां पर डिटेल के साथ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और डिटेल्स को पढ़ेंगे. यहां पर इसे मुराद ये है कि जो भी कंटेंट है आपने सेलेक्ट कर लिया, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं. सो आपने उन टीचिंग मेथड्स का इंतखाब भी करना है. इफ यू स्टडी द नेशनल करिकुलम 2006, तो हर एक सब्जेक्ट के करिकुलम में इवन टीचिंग मेथोडोलॉजीज दी गई हैं. के यानी अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड इस तरह, लेकिन साइंस की बात हो तो वहाँ पर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स चलते हैं, एनालिटिकल मेथड्स चलते हैं. अब एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल वगैरह तो इंग्लिश में नहीं चलते. सो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो जो भी कंटेंट डेवलप करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं,
उनके लिए फिर आपने टीचिंग मेथड्स का भी तयन करना है कि कौन सा टीचिंग मेथड इनको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस मींस के ये टीचिंग मेथड तो है ओके, लेट्स से लेक्चर मेथड है, लेट्स से डिस्कशन मेथड है, अब इस डिस्कशन मेथड को आपने किस तरह से इफेक्टिवली आपने क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है या कैरी आउट करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो क्लासरूम मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्लासरूम मैनेजमेंट मीन कि आपकी क्लासरूम प्रॉपरली मैनेज हो, सब चीजें आपके कंट्रोल में हो, तो किस तरह से कंट्रोल होंगी, तो लाजमी बात है उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज की समझ आनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज जो मुख्तलिफ किस्म के हैं तो उनकी नियत की आपकी समझ आनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल वगैरह होंगी। सो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मीन्स कि हाउ टू यूज इफेक्टिवली दीज टीचिंग मेथड्स। जो टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है दैट कम्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसिस। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की इंटरप्रिटेशन वही है जिससे पहले हमने मॉडल में किया था कि इट मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए रखे थे तो इन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट फिर आप इवेल्युएशन करें कि आया आपके ऑब्जेक्टिव्स गेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो हिल्डा टॉपर मॉडल इज ऑफ 7 स्टेजेस, मैं रिपीट करता हूँ। शी सेज दैट एट फर्स्ट देयर शुड बी नीड असेसमेंट, नीड असेसमेंट के बेस पर ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन, तयन, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हों, टारगेट्स जो भी हों तो उसी के बेस पर फिर कंटेंट्स की सिलेक्शन, टेक्सुअल मटेरियल या किताबों का डेवलप करना, फिर किताबों को डेवलप करने के लिए एक लॉजिकल सीक्वेंस टॉपिक्स को देना, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन को जहन में रखना, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, फिर इन कंटेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स का इंतखाब करना, फिर इन टीचिंग मेथड्स को किस तरह से आपने यूज करना है, टीचर्स को उसकी ट्रेनिंग देना, इवन लेसन प्लान कम्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और आखिर में ये है कि फिर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम भी इस तरह से डेवलप करना है कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट चीजों को परखे। सो इट्स हिल्डा टॉपर मॉडल। अनदर ओके, नाउ लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई नीड योर अटेंशन। अगर कहीं पर हिल्डा टॉपर मॉडल के बेस पर करिकुलम डेवलप करना हो तो उसके लिए आप सिर्फ एक जो है एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर डायग्नोसिस ऑफ नीड या नीड असेसमेंट, आपने नीड असेसमेंट कर ली और नीड असेसमेंट के बेस पर पता चला कि बच्चे ग्रामर में बहुत ज्यादा कमजोर है। सो नीड असेसमेंट से आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो ये था कि बच्चे ग्रामर में कमजोर हैं। स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आपने इस नीड असेसमेंट के बेस पर ऑब्जेक्टिव्स का तैयार कर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। सो ग्रामर के लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, जो लिखा गया करिकुलम के अंदर या जब डेवलप करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स, इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, और आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये आ गया। अब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसके लिए इम्प्रूविंग ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके लिए कंटेंट का जो है कंटेंट की सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, कंटेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे क्योंकि ग्रामर का हिस्सा है, नाउन प्रोनाउन टेंसेस लेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह, ग्रामर नीड असेसमेंट में कमजोर हैं बच्चे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपने अपने लिए जो टारगेट रखा कि बच्चों के ग्रामर को इम्प्रूव करना है, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट ये है कि अब कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो हम पढ़ाए जिसके बेस पर बच्चों के ग्रामर इम्प्रूव हो, तो आपके पास आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको पढ़ाए, नाउन पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए वगैरह। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट किस तरह से होगा कि यही जो चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एंड टेंसेस वगैरह, सो सबसे पहले नाउन पढ़ाएंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स। इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस दे दिया गया। अब सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथोडोलॉजीज कौन सी यूज करनी है, सो
वी कैन यूज कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चों को इन्वॉल्व करके बच्चे एक दूसरे से सीख के उनको टास्क दें, असाइनमेंट मेथड के जरिए से भी बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ग्रामर उनके बेहतर करा से होम टास्क वगैरह दिया करें, ग्रुप एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कर ले, इस तरीके से भी हो सकता है, इंडिविजुअल टास्क उनको दे दे, इस तरीके से भी आप बच्चों की ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज के, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो आप डिजाइन करेंगे, जो लेसन प्लान वगैरह डिवेलप करेंगे, यानी अगर कोऑपरेटिव लर्निंग है तो ये किस तरह से होगी, अगर असाइनमेंट मैं दूंगा या दूंगी तो किस तरह, किस नेचर, किस नियत का असाइनमेंट दूंगा, ग्रुप वर्क जो मैं कराऊंगा तो मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से असाइन करूंगा, इंडिविजुअल टास्क जो दूंगा तो किस तरह से दूंगा, उसके लिए फिर प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कोऑपरेटिव लर्निंग, लेकिन ये होगी किस तरह से, इट विल कम अंडर दिस वन, असाइनमेंट तो यूज करूंगा लेकिन किस तरह से यूज करूंगा, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। द नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन, के मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे जिसके जरिए से पता चलेगा कि आया बच्चों का ग्रामर इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक एरिया था, इसी तरह से राइटिंग स्किल के लिए, इसी तरह से रीडिंग स्किल के लिए, इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन के लिए, मैथमेटिक्स है तो उसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के लिए, इस तरीके को फॉलो करके आपका एक कंप्लीट करिकुलम डॉक्यूमेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू हिल्डा टावर। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट हाउ करिकुलम्स आर डेवलप्ड।